गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज चैप्टर टू। हमने लास्ट क्लास में शारा की अनोखी यात्रा नाम का पाठ पढ़ा था, इसको पूरा मैंने अच्छे से समझाया था आपको। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ये देखिए मैंने आपको कठिन शब्द बोल्ड लिखवाए थे, वो अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। अब आप ये शब्द अर्थ भी अपनी कॉपी में करेंगे। शब्द अर्थ क्या है, देखिए छलांग लगाना। छलांग लगाना क्या होता है, कूदना। पीठ, गर्दन से कमर तक का पीछे का भाग। अनोखे, जिसे पहले कभी ना देखा हो। सफर, यात्रा। क्षमा, क्षमा मीन्स माफी। मजेदार, मजेदार मीन्स रोचक। दुनिया, दुनिया मीन्स संसार। जमीन, जमीन मीन्स धरती। ठीक है, हमें मौखिक प्रश्न के मौखिक प्रश्न के उत्तर ये भी आप कॉपी में ही लिखेंगे। मेंढक के बच्चे का क्या नाम था, क्या नाम था मेंढक के बच्चे का, शारा, है ना। नंबर ख है, मेंढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं, उसकी माँ ने कैसे बताया है लंबी छलांग लगाने को, पैरों को जमीन पर जमा कर मेंढक लंबी छलांग लगाते हैं, है ना। उसकी शारा की माँ ने ऐसे ही तो बताया था उसको कि पैरों को जमीन पर जमाओ और फिर ऊपर उछल कर लंबी छलांग लगाओ। किसने शारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही, किसने कही थी, मछली मिली थी ना एक बड़ी मछली, उसने कहा था कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो मछली ने कहा था ये। अब है लिखित प्रश्न, सही उत्तर पर टिक लगाइए। का, कौन उड़ सकता है, हंस उड़ सकता है, मेंढक उड़ सकता है या मछली उड़ सकती है, कौन सा उड़ सकता है, हंस उड़ सकता है। ख है, शारा किससे बात कर रही थी, शारा किससे बात कर रही थी, माँ से, पिताजी से या मित्र से, माँ से बात कर रही थी ना, तो माँ से, माँ पे टिक लगा दिया। अब है नंबर टू, मिलान करके बताइए शारा ने किससे कहा। देखिए धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी किससे कहा, मछली से कहा था ना शारा ने। और क्षमा करें दादू, क्षमा करें दादू किससे कहा था, मगरमच्छ से कहा था। मुझे माँ के पास जाना है, किसने कहा था, केकड़े से, केकड़े भाई से कहा था कि मुझे माँ के पास जाना है। ठीक है, अब है उत्तर लिखिए। ये वाले क्वेश्चन आंसर भी आप कॉपी में करेंगे। माँ शारा को क्या सिखा रही थी, माँ शारा को लंबी छलांग लगाना सिखा रही थी, लंबी छलांग लगाना सिखा रही थी ना। ख है, शारा घबराई हुई किससे ढूंढ रही थी, शारा घबराई हुई अपनी माँ को ढूंढ रही थी, है ना। शारा कैसे सफ़र पर गई थी, शारा एक मज़ेदार और अनोखे सफ़र पर गई थी। ओके, ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखो और सीखो। अब ये वाली जो है आप ये यही बुक में लिखेंगे और पढ़ पढ़ के करेंगे। छलांग, छलांग को यहाँ लिखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यहाँ। मेंढक यहाँ। अनोखे यहाँ। मज़ेदार, मज़ेदार यहाँ। सफ़र यहाँ। दुनिया यहाँ। क्षमा यहाँ। ठीक है, ये सब आप यहीं पे लिखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखिए चित्र के उनके लिखे नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। क्या है, शंख और माँ। ये शंख बना है और ये माँ है ना, तो माँ नीचे लिखी है। शंख में बिंदु अंग तथा माँ में चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु लगा है, लगा है ना। ये देखिए ये लगा है चंद्रबिंदु वैसे, और इसमें बिंदी लगी है। पाठ में से बिंदु और चंद्रबिंदु वाले शब्द छाँट कर लिखिए। तो देखिए बिंदु वाले कौन से शब्द, शंख, बंदर, पंख। ठीक है, अब दो माँ, सांप और चांद। ठीक है, ये हो गए चंद्रबिंदु वाले शब्द, ये हो गए बिंदु वाले शब्द। बिंदु वाले, बिंदु तथा चंद्रबिंदु लगाकर नाम पूरे कीजिए। तो देखिए बंदर, बंदर में बिंदी लग गई तो ये पूरा नाम हो गया बंदर। सांप, सांप में यहाँ पर हमने चंद्रबिंदु लगा दी तो ये हो गया सांप। पंख, पंख में ऊपर बिंदी लगा दी। चांद,
चांद, यहाँ पर चंद्रिंदु लग गई। ओके, अब आप देखिए शारा ने कूदना सीखने के लिए क्या किया, 1 2 3 4 लिखकर बताइए। तो शारा ने क्या किया, सबसे पहले अपने पैरों को जमीन पर जमाया, फिर ऊपर उछल कर कूद लगाई, लंबी छलांग लगाई, पत्तों पर पैर जमाए, जमीन पर आ गई, फिर उछल कर छलांग लगाई। तो सबसे पहले क्या है, पत्तों पर पैर जमाए, पत्तों पर पैर जमाए, ये है। फिर उछल कर छलांग लगाई, उछल कर छलांग लगाई ऐसे, फिर लंबी छलांग लगाई, से लंबी छलांग लगाई, फिर जमीन पर आ गई। तो इस तरह से ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप क्या कहेंगे, यदि आपको कोई उपहार दे तो आप क्या कहेंगे, धन्यवाद कहते हैं ना हम, तो यहाँ पर ले देंगे धन्यवाद। ओके, आप किसी से टकरा जाएं तो क्या कहोगे, माफ़ करना, ऐसे कहते हैं ना, सॉरी भाई ऐसे बोलते हैं, माफ़ करना कहेंगे हिंदी में, माफ़ करना कहेंगे। ओके, अब जी ये है आपका होमवर्क, ये सब आप अपनी बुक में और कॉपी में भरेंगे, और फिर यहाँ पर ये होमवर्क है, ये आपको अपने आप करना है। जीव जंतुओं के चित्र चिपकाने हैं, आप उनको क्या करना है, जो पानी में रहते हैं उनके यहाँ पर चित्र लगाएंगे, जो ज़मीन पर रहते हैं उनके यहाँ पर चित्र लगाएंगे, जो आसमान में उड़ते हैं उनके यहाँ पर चित्र लगाएंगे। ओके, होमवर्क सही से करेंगे, जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।